और सभी वार्डों का डिटेल्स से बिल्कुल अच्छे से निरीक्षण किया गया, लेकिन किसी भी तरह की आपत्तिजनक चीजें प्राप्त नहीं हुई है। बिल्कुल सब कुछ ठीक है वहाँ पे, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। कर मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। सुबह के 4:30 बजे थे, जेल में सभी कैदी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी जेल में सायरन की आवाज़ सुनाई दी और अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गई। आपको बता दें कि आज अहले सुबह मुजफ्फरपुर के शहीद खुद्दीराम बोस केंद्रीय कारा में सुबह के 4:30 बजे अचानक से छापेमारी की गई, जिससे अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लगातार मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध को देखते हुए आज वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के शहीद खुद्दीराम बोस केंद्रीय कारा में छापेमारी की गई। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी तरह की कोई आपत्तिजनक चीज़ की बरामदगी नहीं हो पाई है, लेकिन आपको बता दें कि सुबह के 4:30 बजे जैसे ही अचानक मुजफ्फरपुर के CTSP अरविंद प्रताप सिंह, ASP टाउन अवधेश दीक्षित, SDO पूर्वी अमित कुमार, SDO पश्चिमी ब्रजेश कुमार सहित कई अधिकारी एक साथ जैसे ही जेल परिसर में पहुंचे, अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं लगातार जो है पूरे जेल की सघन तलाशी ली गई, पूरे छापेमारी के दौरान कुछ बरामद नहीं हुआ है। वहीं पूरे छापेमारी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं SDO पूर्वी अमित कुमार, पहले आप। आज मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का सुबह निरीक्षण किया गया अचानक से, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी, DCLR ईस्ट और वेस्ट दोनों, CTSP सर, ASP सर के द्वारा निरीक्षण किया गया। हम लोग सुबह लगभग 4:30-5 बजे वहाँ पहुँचे थे और सभी वार्डों का डिटेल्स से बिल्कुल अच्छे से निरीक्षण किया गया, लेकिन किसी भी तरह की आपत्तिजनक चीज़ें प्राप्त नहीं हुई है। बिल्कुल सब कुछ ठीक है वहाँ पे, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। कितने बजे सर गए थे? 4:30 बजे हम लोग गए थे। कितने बजे कितने देर चले वहाँ से? हम लोग 6:30 के बाद ही निकले। रूटीन चेकअप? हाँ, रूटीन चेकअप था, किसी तरह का कोई वैसा स्पेसिफिक वो नहीं था। खुशबू अप्रगति 3 बजे में आई। जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर SDO पूर्वी अमित कुमार क्या कुछ कह रहे थे, वहीं आपको बता दें कि शहर में लगातार हो रही आपराधिक वारदात के बाद वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के शहीद खुद्दीराम बोस केंद्रीय कारा में आज अहले सुबह छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि छापेमारी के दौरान जेल के अंदर से किसी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार शहर में बढ़ते अपराध को देखते हुए एक बार फिर से मुजफ्फरपुर जेल में छापेमारी हुई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।